नमस्कार, इंडिया टॉप न्यूज में आपका स्वागत है। ब्रेकिंग न्यूज बलिया। हर के डर से घबराए मोदी सरकार, फ्री की रेवड़ियां बांटने के लिए मजबूर। डर तो इस कदर घर करता जा रहा है कि अब गरीबों को 5 किलो अनाज 5 वर्षों तक देने के लिए तत्पर है सरकार, लेकिन समाज को विश्वास हो चुका है कि 2014 से झूठ बोलती सरकार सिर्फ झूठ बोलती है, झूठ के सिवा कुछ नहीं बोलता है, चाहे वो मंच से हो, चाहे माँ की बात में हो, चाहे स्टेज पर हो, अच्छा है विदेश में हो। डर इस कदर घर करता जा रहा है कि सरकार की कुर्सी छीनने का जो भय सता रहा है अंदर तक बैठ चुका है, इसलिए सब कुछ करने के लिए सरकार है तैयार। डॉक्टर राजेश कुमार सिंह, प्रदेश उपाध्यक्ष, उत्तर प्रदेश, भारतीय जननायक पार्टी, 5 प्रदेशों में हमारा समर्थन सच्चाई के साथ है। सबको प्रणाम, राम राम। 5 राज्यों में हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की करारी हार होने जा रही है, जिस हार के चलते 5 वर्षों तक फ्री में रेवड़ी बांटने का फैसला किए हैं। 5 किलो अनाज अब 5 वर्षों तक लगातार दिया जाएगा। इन 5 राज्यों का डर इस कदर घर करता जा रहा है कि हमारे प्रधानमंत्री जी को समझ में नहीं आ रहा है कि करे तो क्या करें। इसलिए समाज के बीच में अपने मुखार बिंदु से तरह तरह की घोषणाएं कर रहे हैं, कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ, लेकिन सबको समझ में आ गया है कि 2014 से जो भी इन्होंने घोषणाएं की थी वो आज तक पूरी नहीं हुई। तो अब जो घोषणा हो रही है ये पूरी होगी, इसका क्या विश्वास है? इसलिए समाज बिल्कुल टूटा हुआ है, सहमा हुआ है। जिस कोरोना काल में 3,000 से भी ऊपर कंपनियां बंद कर दी गई, आज प्रधानमंत्री जी उसको भजाते हैं और कहते हैं कि कोरोना काल में लॉकडाउन के पीरियड में 3 लाख से ऊपर कंपनियां बंद कर दी गई। ये सबकी बस की बात नहीं है, ये कोई ऐसा ही होगा जो ऐसा काम कर सकता है जैसे मैं। आज हमारे चलते बहुत युवा बेरोजगार हैं, लेकिन सांस लेने के लिए किसी के पास पावर और शक्ति नहीं है। आज महंगाई चरम पर है, लेकिन आज ये कहने के लिए कोई नहीं है कि बहुत ही महंगाई की बात अब की बार कांग्रेस सरकार, कोई हमारा विरोध नहीं कर सकता है। मैं एक छत्र राज कई वर्षों तक करूंगा, वो आदमी इतना डरा है, इतना सहमा है, इतना परेशान है कि एक प्रधानमंत्री के कुर्सी पर बैठने के बावजूद भी गली गली मोहल्ले मोहल्ले वोट मांगने के लिए विवश है और फ्री की रेवड़ी बांटने के लिए विवश है और कई तरह की फ्री की रेवड़ियाँ बांटी जा रही, जैसे गैस में 200 रुपये कम कर देना, गरीबों को 5 वर्षों तक 5 किलो अनाज फ्री देना, इस तरह की बहुत सी फ्री की रेवड़ियाँ बांटी गई और सारी फ्री की रेवड़ियाँ फ्रॉड साबित हुई, झूठ साबित हुई, क्योंकि लोगों के मन में ये व्याप्त हो चुका है कि यह सरकार सिर्फ झूठ बोलती है, झूठ के सिवा कुछ नहीं बोलती है, चाहे गीता पर हाथ रख के, चाहे समाज के बीच में, चाहे मंच पर खड़ा होकर या मन की बात में, जब भी ये बोलती है सिर्फ झूठ बोलती है, झूठ के सिवा कुछ नहीं बोलती है। इसी बातों के साथ जय हिंद, जय भारत, जय सर्व समाज जी।